हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अभिमन्यु आईएएस। सो आईएएस टारगेट 2021 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट्स, हम लोग इन सेशंस के अंदर अपने करंट अफेयर्स को कवरअप कर रहे हैं। अगर बात करें करंट अफेयर्स की, तो वो रहेंगे स्टूडेंट्स आपके मार्च 2020 से लेकर अप्रैल 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मैं बात कर रहा हूँ उन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो आपके प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्लियर? हालांकि देखा जाए, ये सारे के सारे करंट अफेयर्स आपके मोर देन वन ईयर के हैं, जो हमने 70 डेज के अंदर कंप्लीट करने हैं। क्लियर? 70 दिन के अंदर हम लोग इसको कवरअप कर देंगे, यानी कि प्रीलिम्स 2021 से पहले हमारा ये सेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से और एक्सप्लेन्ड मैनर से हमारा ये कवरअप हो जाएगा। और अगर बात करें, अभी तक के हमने इन सेशंस के ऊपर 12 लेक्चर्स को अटेंड किया है, जिसके अंदर हमने मार्च 2020, अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स को बहुत ही एक सिंप्लीफाइड वे से कवरअप कर लिया है, और हम अब मई 2020 के करंट अफेयर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी तक के हमने मई 2020 के दो सेशंस को लगा लिया है। जो आज हमारा 13th लेक्चर है, वो भी मई 2020 करंट अफेयर्स पे बेसिस पे ही रहने वाला है। तो अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं, तो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कनम अग्रवाल, आई एम द करंट अफेयर्स मेंटर इन द अभिमन्यु आईएएस। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। अगर बात करें आज की, तो हमारा सबसे पहली न्यूज रहती है अफगानिस्तान पावर शेयरिंग डील। तो ये अगर न्यूज है हमारे पास, ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, जीएस पेपर टू के लिए, जनरल स्टडीज पेपर टू के लिए आपकी न्यूज इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब इसके अंदर क्या है, हम शुरू करते हैं। आप देखें, यहां पे लिखा है कि अफगानिस्तान प्रेसिडेंट, देखें कंसेप्ट देखें सबसे पहले, अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट है अशरफ घनी। क्लियर है? और उसी तरफ अदर ऑपोजिशन पार्टी है, उनके प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला। तो ये दोनों के प्रेसिडेंट्स इलेक्शंस हो रहे थे अफगानिस्तान में, और डिस्प्यूट हो गया, जिसके कारण दोनों ही प्रेसिडेंट्स ने बोल दिया कि ये दोनों ही अब पावर में है। तो इन दोनों ने एक शेयरिंग डील साइन किया है, तभी तो न्यूज आई अफगानिस्तान पावर शेयरिंग डील की। पावर को दोनों ने शेयर कर लिया। अब ये न्यूज इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है, इंडिया का क्या इसके ऊपर सोचना है, और इंडिया को लेकर क्या ये हमें एडवांटेज देगा, और क्या हमारे ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, वो हम लोग अब इस न्यूज को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं यहां से, यहां पे लिखा है कि अफगानिस्तान प्रेसिडेंट अशरफ घनी एंड हिज पॉलिटिकल राइवल अब्दुल्ला हैव साइंड अ पावर शेयरिंग एग्रीमेंट। बिल्कुल ठीक है, इन दोनों ने एक एग्रीमेंट शेयर कर लिया। यहां पे लिखा कि अकॉर्डिंग टू डील, अब इस डील के तहत क्या है कि मिस्टर घनी, अब्दुल्ला घनी, विल रिमेन एज द प्रेसिडेंट। कंसेप्ट देखें कि इस डील के तहत मिस्टर अशरफ घनी जी प्रेसिडेंट रहेंगे, वाइल बोथ मिस्टर घनी एंड मिस्टर अब्दुल्ला विल चूज एन इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द कैबिनेट। कि ये दोनों ही अब अपने अपने मेंबर्स, मिनिस्टर्स को कैबिनेट के अंदर अपॉइंट कर पाएंगे। क्लियर है? क्योंकि इन दोनों ने शेयरिंग डील साइन की है। यहां तक क्लियर है? यहां पे लिखा है, कहते द डील कॉल फॉर अब्दुल्ला टू लीड द कंट्री। कंसेप्ट देखें, जो ये डील हुई है, तो अब्दुल्ला जी किसको डील करने जा रहे हैं, लीड करेंगे नेशनल रिकंसाइलेशन हाई कमीशन, मतलब NRHC को अब लीड कौन करेगा, अफगानिस्तान की तरफ से मिस्टर अब्दुल्ला। क्लियर है? ये है क्या चीज, यहां पे बोला है अगले पॉइंट के अंदर कि द रिकंसाइलेशन काउंसिल हैव बीन गिवन द अथॉरिटी, ये एक अथॉरिटी दी गई है टू हैंडल एंड अप्रूव All the affairs related to the Afghanistan's peace process. Concept यहाँ पे अब important शुरू होता है हमारे लिए prelims point of view से। ये second last point important है, then हमारे लिए ये prelims plus mains perspective से most important point students ये आपका रहेगा, note down कर ले कि जो reconciliation council है, जिसको lead किया जा रहा है Mr. अब्दुल्ला की तरफ से, वो एक अथॉरिटी दी गई है, और किसके रिलेटेड है, वो रिलेटेड है अफगानिस्तान के रिलेशन में, ताकि
अफगानिस्तान में जो पीस शांति पूर्वकता है, अब वो पीस प्रोसेस है, यानी कि शांति से जब बात की जा सके तालिबान से, अगर मैं ओवरऑल इसका बात करूं कि ऐसा पीस प्रोसेस है ये कि अब अफगानिस्तान में शांति का माहौल बन जाए और शांति से हम लोग तालिबान के साथ बैठकर बात कर सकें, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि पीस प्रोसेस इंक्लूडिंग द पीस टॉक्स विद द तालिबान। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे चलें, कंसेप्ट याद रखेगा। देखिए कोई भी डाउट है लेक्चर में रिगार्डिंग, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि अगर किसी को कोई भी डाउट रहता है ना, तो मैं कमेंट सेक्शन से पता लग जाता है कि कौन से स्टूडेंट को कौन सा डाउट आ रहा है, तो फिर वो नेक्स्ट सेशन में मैं उसके डाउट्स को कवर अप कर सकूंगा अच्छे तरीके से। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया द डील हैज बीन साइंड 2 मंथ्स आफ्टर द, यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि ये डील साइन हो चुकी है 2 महीने बाद, कब? जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में डिस्प्यूट हो चुका था। कब डिस्प्यूट हुआ? सितंबर 2019 में। ये चीज आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि सितंबर 2019 के 2 महीने बाद तो लगभग लगभग ये डील साइन हो चुकी थी बिटवीन मिस्टर घनी एंड मिस्टर अब्दुल्ला। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे लिखा कि इलेक्शन कमीशन जो अफगानिस्तान की है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो मिस्टर घनी है वो विनर है, वो विजेता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के। अब दूसरी तरफ मिस्टर अब्दुल्ला ने क्या कर दिया, मिस्टर अब्दुल्ला प्लस इलेक्शन कंप्लेंट कमीशन की इलेक्शंस में कोई अगर प्रॉब्लम आ गई तो उनके पास एक कंप्लेंट कमीशन भी है, उन्होंने क्या बोल दिया, चार्जेस लगा दिए पूरे अफगानिस्तान में, फैला दी बात कि जो वोटिंग इररेगुलरिटीज हुई है इन द इलेक्शंस। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? और ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव फॉर द मेंस ओनली, बार बार बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग इस चीजों को। वो है क्या चीज, हम अभी डिस्कस करते हैं, मैं अभी इसके ऊपर आता हूं, पहले एक बार रिकॉल करते हैं। ये बोलते हैं कि अ पीस डील बिटवीन यूएस गवर्नमेंट एंड तालिबान वॉज साइंड ऑन 29 फरवरी 2020। कि आप कंसेप्ट देखें कि यूनाइटेड स्टेट्स सरकार और तालिबान सरकार के बीच में एक पीस डील साइन हुई थी, कब? 29 फरवरी 2020 को। अब स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम यहां पे आ गई, न्यूज तो चल रही है अफगानिस्तान की, तो ये यहां पे क्या कर रहे हैं कि ये डील जो पीस डील हुई यूएस और तालिबान के बीच में, तो इनका अफगानिस्तान के साथ क्या रिलेशंस हैं, हम लोग उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जस्ट वेट एक मिनट, यहां पे एक सेकंड। हम लोग यहीं पे हैं, जस्ट वेट। अगर बात करें यहां पे एक मिनट स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हमने अभी क्या पढ़ा कि पीस डील हुई है किनके बीच में, हमारे पास पीस डील देखने को मिल गई है यूएस गवर्नमेंट के बीच में प्लस तालिबान के बीच में, बट हम लोग न्यूज पढ़ रहे हैं अफगानिस्तान के लिए, तो ये जो पीस डील हुई अफगानिस्तान को लेकर क्या रोल प्ले कर रही है उसके ऊपर थोड़ा सा देखते हैं। यहां पे लिखा अ पीस डील जो हुई है वो क्या करती है, दैट फुल withdrawal of foreign soldiers from Afghanistan। अब कंसेप्ट शायद आपको समझ आ गया होगा कि इन दोनों के बीच में जो पीस डील साइन हुई है उसके तहत ही हमने फॉरेन सोल्जर्स को विड्रॉ कर लिया, कहां से स्टूडेंट्स, अफगानिस्तान से। तभी तो हमने देखा ना कि पीस प्रोसेस फिर से शुरू होना चाहिए इन दोनों के प्रेसिडेंट्स की, जो पावर शेयरिंग डील आई है, तो अफगानिस्तान ओवर द नेक्स्ट 14 मंथ्स 14 महीने के तहत एंड एंड 18 ईयर्स वॉर इन अफगानिस्तान। तो हमने 18 साल से जो अफगानिस्तान के साथ लड़ाई हो रही है उसको खत्म करना है। क्लियर? आगे चले नेक्स्ट। अभी एक तो ये पॉइंट आ गया पीस डील के तहत आ गया, अब दूसरा पॉइंट क्या आता है, यहां पे लिखा
कि द तालिबान ये वॉर क्यों हुई थी। अब इसके भी ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं कि जो 18 साल से लड़ाई चल रही थी उसका मेन मुद्दा क्या था, कारण क्या था, यूएसए क्यों था इसके पीछे। तो वो क्या है, द तालिबान रेडिकल, वो कौन था स्टूडेंट्स, इस्लामिस्ट, इस्लामिस्ट हु रैन अफगानिस्तान, हु रैन अफगानिस्तान प्रोटेक्टेड कौन, बिन लादेन। उसामा बिन लादेन का जिक्र किया गया है यहां पे, और रिफ्यूज किया गया, मना किया गया था टू हैंड ओवर, कि हम नहीं देंगे टू हैंड ओवर हिम। सो अ मंथ आफ्टर, एक महीने के बाद ही अटैक हुआ था स्टूडेंट्स, 9/11, क्लियर है, 9/11 अटैक। देन द यूएस लॉन्च्ड, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया था, एयर स्ट्राइक की गई थी किसके ऊपर, एयर स्ट्राइक अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो ये कंसेप्ट है, अब जाकर पीस होना चाहिए यहां पे, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलें हम आगे, जस्ट अ मिनट, अब यहां पे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, यहां बोला गया सिंस द यूएस हैज बीन ट्राइंग टू गेट द तालिबान एंड द अफगानिस्तान गवर्नमेंट। कंसेप्ट पे देखें कि यूएस हैज बीन ट्राइंग टू गेट द तालिबान एंड द अफगान गवर्नमेंट टू बिगिन इंट्रा अफगान नेगोशिएशन। कौन सी है ये, तालिबान और अफगानिस्तान सरकार ने, दोनों ने मिलकर एक अफगान नेगोशिएशन शुरू किया, बट द पॉलिटिकल टर्मोइल एंड द पर्सनल हॉस्टिलिटी बिटवीन मिस्टर घनी एंड मिस्टर अब्दुल्ला हैज इम्पेडेड टॉक्स। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक। देखिए कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आप लोग, हम लोग आगे फर्दर चलते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ये क्या चीजें हैं यहां पे, एक मिनट मैं जूम करता हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए कि भारत ने अभी तक का क्या क्या रोल प्ले किया। यहां पे लिखा कि इंडिया हैज गिवन ओवर 3 बिलियन USD अफगानिस्तान को दिए गए, ताकि यहां पे मेड कई डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भारत शुरू कर सके अफगानिस्तान में। सबसे पहले भारत ने क्या शुरू किया था यहां पे, 218 किलोमीटर की भारत सरकार ने सड़क बनाने में अफगानिस्तान की मदद की, कहां से, फ्रॉम जरांग टू देलाराम टू हेल्प मूव गुड सर्विस टू ईरान। अब कंसेप्ट देखें, ईरान तक भारत का जाने का इरादा है, ईरान बॉर्डर तक, ये बेनिफिशियल हो जाएगा अफगानिस्तान इंडिया के लिए। नेक्स्ट आता है, कहते 220 किलोवाट डीसी, मतलब डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन लाइन पड़ रही है फ्रॉम पुले खुमरी टू काबुल तक, क्लियर है, और सब स्टेशंस लगने जा रहे हैं 220 किलोवाट के, 110 किलोवाट के और 20 किलोवाट के सब स्टेशंस लगने जा रहे हैं एट चिमतला। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पे कि जो इंडिया और अफगानिस्तान का फ्रेंडशिप डैम है वो है सलमा डैम। मैं स्टूडेंट्स आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा रहा है आपके लिए, जो यहां पे मैंने स्लाइड में पेश किया है, इसको हर एक पॉइंट को मेमोराइज कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यूपीएससी के अंदर मेंस पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन आता है ना, तो अगर आप लोग ये पिलर्स को लिखते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, एक पेपर अलग से आपका निकल के आएगा, क्लियर है ना, एज कंपेयर टू योर पैरलर्स। अब बात करें अफगानिस्तान की, जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, ये डायग्राम देखें, जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसको भी बनाने के लिए भारत सरकार ने योगदान दिया था। यहां पे लिखा है कि न्यू अफगान पार्लियामेंट बिल्ड विद इंडियन सपोर्ट, क्लियर। इवन और देखते हैं आगे, नेक्स्ट कटिंग मैंने यहां पे लगाई, दो कटिंग्स यहां पे मैंने पेश की हैं, उसमें से एक और आती है कि न्यू दिल्ली डेवलपमेंट पार्टनरशिप विद काबुल, 5 पिलर्स पे बेस है। वो कौन कौन से पिलर्स हैं देखते हैं। नंबर वन यहां पे लिखा कैपेसिटी बिल्डिंग में, कहते 3500 अफगान अंडरगोइंग वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भारत के अंदर शुरू होंगे। एक स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की जा रही है, 1000 स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी हर साल अफगान नेशनल्स को। इवन उसके बाद
इंडिया ने ऑफर किया 500 इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन स्लॉट्स को अफगानिस्तान के अंदर। और सबसे अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूं ये वाले प्रोजेक्ट की, कनेक्टिविटी की, भारत का अफगानिस्तान के साथ किस तरीके का कनेक्टिविटी रहता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा छब्बार पॉट डेवलपमेंट हुआ। यहां पर लिखा है कि डायरेक्ट एयर फ्रेट कॉरिडोर बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान एस्टैब्लिश्ड इन 2017 में शुरू किया गया था। ये क्लियर है, चलें आगे, कोई डाउट तो नहीं है, आगे चलते हैं, देखते हैं। यहां पर एक न्यूज आती है कि भारत ने ना 1.1 मिलियन टन्स ऑफ वीट अफगानिस्तान को भेजी थी विद द हेल्प ऑफ या फिर थ्रू छब्बार पॉट। ये चीज आप याद रखें, हालांकि यहां पे मेंशन नहीं है। और अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूं तो भारत ने इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ अ 400 बेड हॉस्पिटल भी अफगानिस्तान को प्रोवाइड करवाया था, जिसके अंदर 3 लाख चिल्ड्रंस की अप्रोक्सीमेटली हर साल केयर की जाती है। याद रखें ये कंसेप्ट को। इकोनॉमिकली की अगर मैं बात कर लूं तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किया गया अफगानिस्तान में, 116 न्यू हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाए गए अफगानिस्तान में। वो कौन कौन से हैं? एजुकेशन पे, हेल्थ पे, एग्रीकल्चर पे, इरिगेशन पे रहता है, ड्रिंकिंग वाटर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, आपका फ्लड कंट्रोल आ गया, माइक्रो हाइड्रो पावर्स आ गए, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो ये आपके सारे मेन पिलर्स रहते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। क्लियर है, चलें आगे। रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके लिए दोनों के दोनों रहने वाले हैं, इसको प्लीज अंडरलाइन कर लो, प्रिंट आउट निकाल लो और प्रॉपरली मेमोराइज कर लो। ये चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं, इस तरीके का डाटा जो बहुत शॉर्ट है और बहुत ही काम का अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा मेंस में, यूपीएस में। क्लियर, चलें आगे। अब देखते हैं, कहते हैं इंडिया हैज वेलकम, भारत ने तो इवन वेलकम किया ये पावर शेयरिंग डील को लेकर बिटवीन द प्रेजिडेंट अशरफ घनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला। ठीक है, हालांकि भारत ने अपोज नहीं किया। अगर मैं यहां से दिखाऊं तो ये रहा बॉम्बे, आप बॉम्बे से छब्बार पॉट तक कैसे जा रहे हैं ये कंसेप्ट देखिए, विद द हेल्प ऑफ अरेबियन सी। छब्बार पॉट ईरान से लेकर फिर हम लोग अफगानिस्तान की तरफ जाते हैं। और एक और कंसेप्ट है, ये डायग्राम लगाने का यहाँ पे सिर्फ यही मकसद था कि अफगानिस्तान इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। तो हाँ बिल्कुल, भारत का पड़ोसी मुल्क माना गया है अफगानिस्तान को भी, क्योंकि अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा भारत के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लग रहा है। आप लोग ये डायग्राम में जहाँ पे मेरा हैंड कर्सर घूम रहा है इसको फोकस करें, ये वाला। अगर फिर भी नहीं दिखा तो मैं यहाँ पे डार्ट लगा देता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, एक मिनट, ये वाला ऐसा यहाँ, ये वाला अब दिख गया होगा आई थिंक सो। क्लियर है ना, यहाँ बोला गया इट होप दैट पावर शेयरिंग डील विल रिजल्ट इन रिन्यूड एफर्ट्स फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड्योरिंग पीस एंड स्टेबिलिटी। अब ये प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो हम बार बार पावर शेयरिंग डील की बात कर रहे हैं ना, इसका मेन मकसद, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम क्या है? हमने एस्टैब्लिश करना है शांति और एक स्थिरता लेकर आनी है अफगानिस्तान के अंदर, जो कई सालों से नहीं आ पाई है। क्लियर, शांति और स्थिरता लेकर आनी है एंड पुटिंग एन एंड, एक चीज का खात्मा करना है टू एक्सट्रीमली स्पॉन्सर्ड, किसका? टेररिज्म का, और जो वायलेंस क्रिएट की जाती है इंटरनली अफगानिस्तान के अंदर, हमने उस चीज को बिल्कुल ही अपोज करना है। और वो चार पिलर्स कौन कौन से स्टूडेंट्स आपके? एक आएगा पीस, जिसको बढ़ावा देना है, दूसरा आता है स्टूडेंट्स आपका स्टेबिलिटी आती है, तीसरा हमने किसको खत्म करना है स्टूडेंट्स? टेररिज्म को, चौथा हमने किसको खत्म करना है? वायलेंस को, अफगानिस्तान के अंदर। क्लियर है ये डाटा, चलिए आगे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे बोला गया कि जो अफगानिस्तान मेन एडवांटेज इज इट्स ज्योग्राफी। ये वाला डायग्राम है ना जो, सॉरी ये वाला जो आपका थर्ड पॉइंट है, यहां से ये वाला आप लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ें कि भारत के लिए अफगानिस्तान को लेकर क्या विचार हैं। बिल्कुल ठीक है कि अफगानिस्तान का मेन एडवांटेज भारत को तो उसका ज्योग्राफिकल एरिया है, कि अगर इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस और बेटर बनते हैं, आप कंसेप्ट सुने, अगर और बेटर बनते हैं तो भारत अफगानिस्तान से होकर ईरान की तरफ जा सकता है, इवन अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया की तरफ भी जा सकता है।
तो ये अगर रास्ता हमारे लिए खुल जाता है तो क्या रहेगा, जो हम लोग क्रूड ऑयल को यूज करते हैं वो इजीली अवेलेबल हो सकता है। बिल्कुल ठीक है ना। पढ़ते हैं, कहते एनीवन हु कंट्रोल द अफगानिस्तान, कंट्रोल कोई भी है जो अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहा है, उसकी जमीन को कंट्रोल कर रहा है, उसके रूट को कंट्रोल कर रहा है, बिटवीन इंडियन सबकॉन्टिनेंट ईरान एंड रिसोर्सेज रिच सेंट्रल एशिया। इंपॉर्टेंट रहेगा मेंस पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, इस तरीके का डाटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्लियर है, चलते हैं। यहां पे लिखा इकोनॉमिकली इट इज अ गेटवे टू द ऑयल एंड मिनरल रिच सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। कंसेप्ट देखें, मैं इकोनॉमिकली की बात कर रहा हूं कि इकोनॉमिकली ये तो हमारे लिए एक रास्ता है, गेटवे है, किसका, कच्चे तेल का एंड मिनरल रिच सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। बिल्कुल ठीक। इवन यहां पे बोला गया कि जो आपका अफगानिस्तान हैज बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट। कंसेप्ट ये प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स आपका, याद रखें ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं कि जो आपका अफगानिस्तान है ना हैज बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट रेसिपियंट ऑफ इंडियन फॉरेन एड ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, मूव करते हैं। यहां लिखा कि इंडिया हैज बिकम मोर एंड मोर पॉपुलर। अब भारत बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है अफगानिस्तान में, क्यों, क्योंकि भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में अफगानिस्तान की हेल्प कर दी, भारत ने हॉस्पिटल्स बनाने में अफगानिस्तान की हेल्प कर दी। और वो कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं स्टूडेंट्स, वो है आपका IGICH, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, सड़कें बना दी जरांज से दिलारमन तक, डैम बना दिया सलमा डैम, बिल्डिंग बना दी न्यू अफगान पार्लियामेंट्री, इवन हमने 6 बार पोर्ट का भी डेवलपमेंट कर दिया। तो ये आ गया ना इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स रोड्स डैम्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द फैब्रिक ऑफ अ डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट। स्टूडेंट्स यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए फिर भी कोई डाउट रहता है क्योंकि कई स्टूडेंट्स को अगर कोई डाउट है कि कोई भी वर्डिंग के अंदर की प्रॉब्लम आ रही है या फिर और ज्यादा क्लेरिफिकेशन चाहिए उनको, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और एक अनाउंसमेंट करता हूँ आप लोगों के लिए, जैसे कि मैं डेली बेसिस पे कमेंट्स को देखता रहता हूँ स्टूडेंट्स के, तो याद रखें हर एक सेशन की जो PDF फाइल रहती है ना वो आपके सेशन के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, आप लोग वहां पे लिंक पे जाकर क्लिक करके ये PDF फाइल उसी सेशन के आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। और दूसरा अनाउंसमेंट ये रहेगा कि जी बिल्कुल 70 डेज के लिए स्टूडेंट्स हम लोग इनको कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है ना, ये कंटिन्यूटी में ही आपके सेशन चलते रहेंगे करंट अफेयर्स के लिए, ताकि आप लोगों को भी दिक्कत ना आ पाए। क्लियर है, चलें आगे। नेक्स्ट न्यूज हमारी रहेगी ट्रेवल बबल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी GS Paper 2 एंड GS Paper 3 परस्पेक्टिव। शुरू करें, शुरू करते हैं। कहते द बाल्टिक कंट्रीज ऑफ इस्टोनिया लटविया लिथुआनिया स्टार्टेड अ ट्रेवल बबल। तो ये बाल्टिक कंट्रीज हैं जो तीनों, इन्होंने ट्रेवल बबल को स्टार्ट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि COVID-19 के कारण इकोनॉमी बहुत बुरे हालात में थी, तो उन्होंने अगर ट्रेवल बबल शुरू कर दिया कि बोला कि हम लोग इकोनॉमी को थोड़ा सा ट्रैक पर वापस लेकर आते हैं। क्लियर है, अब थोड़ा सा अगर डिटेल में पढ़ा जाए स्टूडेंट्स एड ऑन डाटा जो आप बोलते हो कि व्हाट डू यू मीन बाय बाल्टिक कंट्रीज, मैं बोलता हूं कि बाल्टिक स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ यूरोप की हैं। उसके बाद कुछ इंक्लूड किया गया कंट्रीज को, इंक्लूड द कंट्रीज ऑफ, मतलब किसकी कंट्रीज, इंक्लूड द कंट्रीज ऑफ इस्टोनिया जो ऊपर मेंशन है पहले ही पॉइंट में, लाटविया एंड लिथुआनिया। तो इनकी जो कंट्रीज रहती हैं ऑन द, कहाँ पे है ये, ऑन द ईस्टर्न शोर्स ऑफ द बाल्टिक सी, कि जो बाल्टिक सी के ईस्टर्न शोर पे हैं हमने बाल्टिक कंट्रीज बोल दिया। नॉर्थ ईस्ट रीजन यूरोप का हो गया, इस्टोनिया लाटविया लिथुआनिया के जो कंट्रीज हैं उसको बाल्टिक कंट्रीज बोल दिया। क्लियर, ये बोलते हैं
यहाँ पे कहते ऑल द थ्री, कौन कौन से, कि एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया के जो तीनों कंट्रीज के जो बाल्टिक स्टेट्स हैं फेयरली सक्सेसफुल रह चुके हैं मैनेज करने में कोविड 19 के आउटब्रेक को एंड रिमेनिंग कंपैरेटिवली सेफ, बिल्कुल ठीक है। यहाँ लिखा कि इन द एस्टोनिया लाटविया लिथुआनिया ट्रेवल बबल, तो ये ट्रेवल बबल के तहत क्या है, जो सिटीजन है इन तीनों कंट्रीज के वो फ्रीली ट्रेवल कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ रेल, एयर एंड सी विदाउट क्वारंटाइन मेजर्स, इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए, ये प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि क्योंकि तभी तो लिखा ना कि ट्रेवल बबल है और विदाउट क्वारंटाइन मेजर्स। आगे चलते हैं, यहाँ लिखा कि जो बाल्टिक कंट्रीज हैं आपके, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ यूरोप हमने डिस्कस कर लिया, इंक्लूडिंग द कंट्रीज ऑफ एस्टोनिया लाटविया एंड लिथुआनिया ऑन द ईस्टर्न शोर ऑफ बाल्टिक सी, हमने इनको क्या बोल दिया था कि ये बाल्टिक कंट्रीज रहते हैं आपके, ठीक। आगे चलें, कहते द बाल्टिक स्टेट्स, अब कंसेप्ट देखें, मैं यहाँ पे सारा कुछ इरेज कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज, मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक डायग्राम बहुत बेसिक सा, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, सॉरी ये वेस्ट हो गया, दिस इज योर नॉर्थ एंड दिस इज योर साउथ, क्लियर है। अब हम डायग्राम बनाते हैं, ये बोलते हैं कि यहाँ पे दिस इज माई बाल्टिक कंट्रीज, लेट्स से सपोज दिस इज माई बाल्टिक कंट्री, तो ये बोला गया कि वेस्ट नॉर्थ में आपको क्या देखने को मिल गया, यहाँ पे मुझे मिला बाल्टिक सी देखने को मिल गया, और ईस्ट में मुझे रशिया देखने को मिल चुका है, साउथ में मुझे क्या, साउथ ईस्ट में मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिला, बेलारूस देखने को मिल गया, और यहाँ पे मुझे पोलैंड देखने को मिल गया। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है जो आपके बाल्टिक कंट्रीज है ना वो 360 डिग्री से कवर्ड है, नॉर्थ वेस्ट में बाल्टिक सी, नॉर्थ ईस्ट में रशिया, साउथ ईस्ट में बेलारूस, साउथ वेस्ट में पोलैंड। देखें ये रहा आपका डायग्राम स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर रशिया, दिस इज आर बेलारूस एंड दिस इज पोलैंड, और बात करें बाल्टिक सी की तो ये रहा आपका बाल्टिक सी, और ये डायग्राम जो आपकी आ रही है, जो मैप आपका यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज द बाल्टिक कंट्रीज ना, और कौन कौन सी हैं इसमें, एस्टोनिया की कंट्रीज आ रही हैं, लाटविया की कंट्रीज आ रही हैं, और लास्ट कौन सी है, लिथुआनिया की कंट्रीज, तो इन्हीं को तो हमने क्या बोल दिया, ये है हमारे स्टूडेंट्स बाल्टिक कंट्रीज। क्लियर है यहाँ तक, कोई भी डाउट है तो प्लीज बताइएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है ट्रेवल बबल। अब ये ट्रेवल बबल है क्या चीज, पढ़ लेते हैं और डिटेल में चलते हैं। यहां पे लिखा 1991 में देयर देन पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया था कहां, किससे, यूएसएसआर से, वो क्या चीज है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स विद ओवरवेलिंग सपोर्ट, बिल्कुल ठीक है। कहते अब मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा प्रिलिम्स के लिए, भारत की बात अब शुरू हो चुकी है, इंडिया का रोल प्ले होना अब शुरू हो चुका है। कहते इंडिया एंड बाल्टिक कंट्रीज हैव हिस्टोरिक कनेक्शन, इनका हिस्टोरिकली कनेक्शन है, वो क्या है, लिंग्विस्टिक रूट्स हैं, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे भारत और बाल्टिक कंट्रीज का हिस्टोरिकल कनेक्शन है। कहते द कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में भी काफी ज्यादा है ऑफ बाल्टिक कंट्रीज, कॉम्प्लीमेंट किया कि भारत ह्यूज मार्केट है, ये कंसेप्ट देखें कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन इकोसिस्टम ऑफ बाल्टिक कंट्रीज, बाल्टिक कंट्रीज के लिए भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है एंड एपेटाइट फॉर दीज टेक्नोलॉजीज, बिल्कुल सही है। ये बोलते हैं कि क्रिएटिंग अ ट्रेवल बबल, अब ऐसा ट्रेवल बबल बनाने से रीकनेक्टिंग कंट्रीज या फिर स्टेट्स, हमने फिर से रीकनेक्ट कर दिया जो पेंडेमिक के कारण कनेक्शन टूट गया था, लॉकडाउन लग गया था, बिल्कुल सही है, विच हैव शोन अ गुड लेवल ऑफ सक्सेस इन कंटेनिंग द कोविड 19 पेंडेमिक डोमेस्टिकली, बिल्कुल ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट रहेगा डाटा किसके लिए, स्टूडेंट्स ये प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव के लिए, कि ट्रेवल बबल ने इकोनॉमी के लिए क्या किया, यहां पर ये देखें। अब रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के तहत कहते जो पोटेंशियल ट्रेवल बबल है अमंग बेटर परफॉर्मिंग कंट्रीज, की जो ज्यादा बढ़िया कंट्रीज परफॉर्मेंस वाली हैं, अगर उन दोनों के बीच में ट्रेवल बबल बना है
अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में, तो उन्होंने 35% ऑफ द ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, मतलब जीडीपी कितना आया 35% का। ये याद रखें आप लोग, कनेक्टिविटी अकाउंट्स फॉर अराउंड 35% ऑफ द ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर है, चले आगे। ये मैप आता है, एक मिनट के लिए हम अगली साइड पे चलते हैं, फिर ये मैप पर डिस्कस करते हैं। यहां पर लिखते हैं कि जो आपका ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड, इन दोनों ने भी एग्रीमेंट किया कि हम लोग भी ट्रेवल बबल स्टार्ट करते हैं वंस इट बिकम सेफ टू ऑपरेट फ्लाइट्स बिटवीन देम। और ये कहां पे ओपन हुआ, ये कंसेप्ट देखें, ये ओपन किया गया था ट्रांस तस्मान जोन पे, मतलब तस्मानिया सी के ऊपर। तो क्या बना दिया, जोन बना दिया, एंड दैट जोन इज ट्रांस तस्मान जोन। क्लियर है। और इन्होंने क्या बोल दिया कि अलाउ किया ट्रेवल विदाउट अ क्वारंटाइन पीरियड। ये है क्या चीज, कंसेप्ट देखें स्टूडेंट्स, दिस इज योर न्यूजीलैंड, बिल्कुल ठीक है, और दिस इज योर ऑस्ट्रेलिया, ये बिल्कुल ठीक आ रहे ना हमारे पास। तो ये रहा तस्मान सी, और यहां पे इन दोनों कंट्रीज के बीच में जोन कौन सा बन गया था स्टूडेंट्स, वो था ट्रांस तस्मान जोन। ये चीज को ध्यान में रखो, इन दोनों के बीच में बना ट्रांस तस्मान जोन ओवर द तस्मान सी। क्लियर है, यहां पे क्लियर है। आगे चलते हैं, फर्दर देखते हैं, यहां पे देखते हैं कि ट्रांस तस्मान जोन ट्रेवल एग्रीमेंट है वो क्या है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और इस एग्रीमेंट के तहत क्या है कि दोनों कंट्रीज के जो सिटीजन्स हैं, फ्री मूवमेंट हो सकती है इन दोनों कंट्रीज के सिटीजन्स के बीच में, ऑफ दीज कंट्रीज टू द अदर, बिल्कुल ठीक। द एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट कब आया था, 1973 में, इंपॉर्टेंट रहेगा ये, नोट डाउन कर लें डाटा कि ट्रांस तस्मान जोन जो ट्रेवल बबल के लिए बना था 1973 में ये एग्रीमेंट आ गया था बिटवीन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, और दोनों कंट्रीज के सिटीजन को अलाउ किया गया था कि आप लोग यहां पे रह भी सकते हैं एक दूसरे की कंट्रीज में और काम भी कर सकते हैं इन अदर्स कंट्री विद सम रिस्ट्रिक्शन, और कुछ रिस्ट्रिक्शन ही, बिल्कुल ठीक। सिमिलरली चाइना और साउथ कोरिया ने भी फास्ट ट्रैक चैनल को लॉन्च किया फॉर द बिजनेस ट्रेवलर्स। अब अगर बात करें आगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ट्रेवल बबल आर बीइंग सुजेस्टेड टू ग्रुप स्टेट्स, कंसेप्ट देखें, ग्रुप स्टेट्स हु आर डूइंग वेल अगेंस्ट द पैंडेमिक। क्लियर है, चलें आगे देखते हैं। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज आती है स्टूडेंट्स अक्साई चिन की। मैं पहले ही आपको थोड़ा सा अनाउंसमेंट कर देता हूं, ये अक्साई चिन वाली जो आपको न्यूज अब देखने जा रहे हैं, आप लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट रहता है, इसको लेकर हर एक वर्ड में बहुत कुछ डाटा निकलेगा हमारे पास। शुरू करें, चलो नंबर वन, सबसे पहला पॉइंट यहां पे बोला कि चाइनीज मीडिया ने बोला कि भारत बिल्ड कर रहा है डिफेंस फैसिलिटीज को, बना रहा है कहां पे, गलवान वैली में, और ये गलवान वैली चाइना के एरिया अक्साई चिन का पार्ट है, यह कहना था चाइनीज मीडिया का। ठीक है, देखते हैं, चलो कहते हैं चाइना कंट्रोल अक्साई चिन एरिया, चाइना अक्साई चिन एरिया को कंट्रोल करता है। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका अक्साई चिन वाला हिस्सा, चाइना इसको कंट्रोल कर रहा है, आप कलर कोडिंग देख सकते हैं। इवन अगर देखा जाए कि अक्साई चिन तो भारत के यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का पार्ट होना चाहिए ना, तो वो कंसेप्ट है, देखते हैं। कहते वाइल इंडिया क्लेम, भारत क्लेम करता है कि दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, बिल्कुल ठीक है ना, वो है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, अभी हमने देखा। चलें आगे, नेक्स्ट पॉइंट है, ये क्लेम करते हैं चाइना वाले कि इंडिया हैज वायलेटेड, भारत ने वायलेशन क्रिएट किया कि चाइनाज टेरिटोरियल सोवरेनिटी को, एंड हार्म्ड मिलिट्री रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज, और ये चाइना का दावा है, बोलता है उनका। हालांकि ये तो नहीं है कि अक्साई चिन भी है, हालांकि भारत यह दावा करता है कि अक्साई चिन इज अ पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। क्लियर, यहां पे लिखा है, यह इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ते हैं और मैं डिटेल लेकर जाऊंगा इसकी। यहां पे है कि द लेटेस्ट राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अभी जो हुई है केम डेज आफ्टर इंडियन चाइनीज ट्रूप्स
कहाँ पे क्लैश हुआ? नकुला एरिया में, वो है नॉर्थ सिक्किम में। कहाँ पे? नकुला एरिया जो नॉर्थ सिक्किम में है। और एक कहाँ पे क्लैश हुआ? पैंगोंग सो लेक में जो ईस्टर्न लद्दाख में है। ये चीजें क्या है स्टूडेंट्स, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में लेकर चलते हैं। वेट कीजिए, यहां पे नंबर वन मैं शुरू करता हूं आप लोगों के लिए। दिस इज योर नकुला सेक्टर। ये है क्या चीज, इसके बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं। नकुला सेक्टर क्या चीज है, ये एक्चुअल में है क्या चीज? कहते इट इज अ पास, इट इज अ पास एट अ हाइट ऑफ, ये काफी ऊंचाई पर रहता है, एट अ हाइट ऑफ मोर देन 5000 मीटर्स ऑफ मीन सी लेवल। 5000 फुट की ऊंचाई पर है, सॉरी मीटर्स की ऊंचाई पर है। कहां पे स्टूडेंट्स, कहां पे है? इन सिक्किम। अभी हमने देखा था ना, क्लियर है ये कंसेप्ट आप लोगों को? प्लीज ये डाटा एड ऑन है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इवन आपको अगर ये नकुला सेक्टर समझ में आता ना, तभी आप लोग आगे कोई भी न्यूज को इससे रिलेशंस में लेकर जा पाओगे, इजीली लेकर जा पाओगे। क्लियर है? हम इसी तरीके से हर एक न्यूज का जो भी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है उसको एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। और क्या है ये लोकेटेड रहता है, कहते क्या नकुला सेक्टर जो सिक्किम में है, ये लोकेशन सिक्किम में कहां है? कहते इट इज लोकेटेड अहेड ऑफ मुगुथंग। कहां पे है ये? मुगुथंग बोल दो, और कहां पे है? खो लामू, या आप बोल दो मुगुथंग, या बोल सकते हैं आप लोग खो लामू। ये क्या चीज है? इट इज सोर्स ऑफ रिवर टीस्टा। सो टीस्टा रिवर का ये स्टूडेंट सोर्स है मुगुथंग या फिर खो लामू, और यहीं से आपका नकुला सेक्टर लोकेटेड है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर कर दूं? ओके, कोई डाउट? चलें, ओके, देन हम आगे पढ़ते हैं। अब अगर बात करें पैंगोंग सो लेक की, व्हाट डू यू मीन बाय पैंगोंग सो लेक, इसके बारे में भी देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। कहते पैंगोंग सो लेक कहां पे लोकेटेड है? लोकेटेड इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ये आपकी लद्दाख में आपको देखने को मिल जाएगी। इवन इसकी हाइट कितनी रहती है पैंगोंग सो लेक की? 4350 मीटर, 4350 मीटर्स की आप इसकी ऊंचाई देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं ये है क्या चीज, इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट, क्या है ये? सॉल्ट वाटर लेक। ये चीजें आप लोग कंसेप्ट थोड़ा सा माइंड में रखें। क्लियर? चलें फर्दर, क्लियर करते हैं एक बार, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। इवन एक डाटा और आप थोड़ा सा ऐड कर लें नकुला एरिया के लिए, सिक्किम के लिए। हमने एक चीज को थोड़ा सा मिस कर दिया था कि सिक्किम में, जैसा कि हमने देख लिया कि एक पास है नकुला पास, इसके अलावा भी सिक्किम में हमें और कौन कौन से पासेस देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स? वो हमारे पास है नंबर वन नथुला पास, सेकेंड वन इज योर जिलिप ला पास। तो ये पासेस भी हमें सिक्किम में देखने को मिलते हैं। क्लियर? चलें आगे फर्दर, और फर्दर देखते हैं और डिटेल में चलते हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है कि भारत और चाइना हैव अनरिजॉल्व्ड 3488 किलोमीटर का लॉन्ग बॉर्डर है, डिस्प्यूट है, मतलब 3488 किलोमीटर का जो ये भारत और चाइना एक दूसरे से सरहद से टच कर रहे हैं ना, ये एरिया डिस्प्यूटेड है। दैट हैज कास्ट अ शैडो ऑन टाइज फॉर द डिकेड। अब 3488 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट, अगर मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, एक मिनट, लेट्स, ये अपना इंडिया का
अपर मैप हो गया, क्लियर है। अब हम लोग डिस्कस किसको करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 3488 किलोमीटर का लॉन्ग बॉर्डर। हम लोग बॉर्डर को डिस्कस करते हैं, डिस्प्यूट कहां कहां पे आपको देखने को मिल रहा है, क्लियर है। तो बस आप बने रहे मेरे साथ, हम इसी तरीके से हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो एक मिनट सबसे पहले और डिस्कस कर लेते हैं पहले तो कि 3488 किलोमीटर का जो इंडिया और भारत का जो लॉन्ग बॉर्डर है उसमें आपको कौन कौन सा एरिया टच हो रहा है। एक तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, बिल्कुल ठीक है, फिर हमारे पास हिमाचल प्रदेश, देन हमारे पास उत्तराखंड देखने को मिल जाएगा, क्लियर है। उसके बाद हमें सिक्किम भी देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, और हमें अरुणाचल प्रदेश देखने को मिल जाएगा। और यहां से हमारा पिक्चर शुरू होता है फॉर 3488 किलोमीटर। बस थोड़ा सा ध्यान देना, आपको अब पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि डोकलाम वाला क्यों एरिया प्रॉब्लम में था, पैंगोंग लेक वाला क्यों एरिया प्रॉब्लम में था, गलवान वाला एरिया क्यों प्रॉब्लम में था, बस वो चीजें। अब यहां से देखते हैं, ये मैंने ड्रॉ किया, अब कलर कोड पे देखते जाएगा। अब ये लाइन है, इसको मैंने क्या बोल दिया स्टूडेंट्स, ये मेरा आ चुका है यहां पे, दिस इज माय वेस्टर्न सेक्टर, भारत और चाइना के बॉर्डर के इन, भारत और चाइना के बॉर्डर को लेकर ये मैंने बना दिया वेस्टर्न सेक्टर। और अगर मैं बात करूं वेस्टर्न सेक्टर के लिए तो ये कितने किलोमीटर है, ये है 2152 किलोमीटर, 2152 किलोमीटर का ये आपका लॉन्ग बॉर्डर है बिटवीन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड, और किसके बीच में स्टूडेंट्स, एंड ये रहेगा आपका शिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इवन जो हम लोग न्यूज पढ़ रहे हैं ना, यही ओवर, ये जो आपका वेस्टर्न सेक्टर है ये किसके अंडर आ गया, ओवर अक्साई चिन के अंडर आ गया, क्लियर है स्टूडेंट्स, ये बोला ये आ गया अपना वेस्टर्न सेक्टर 2152 किलोमीटर का, क्लियर। आगे फर्दर चलते हैं और फर्दर देख लेते हैं। अगर मैं यहां से बात करूं स्टूडेंट्स, ये वाला हिस्सा, ये वाला भाग आपका, ये वाला, तो ये स्टूडेंट्स हमारा रहता है मिडल, दिस इज आवर मिडल सेक्टर, और ये स्टूडेंट्स कितने किलोमीटर है, 625 किलोमीटर ये अपना एरिया लेंथ में चलता है। नेक्स्ट अगर बात करें, यहां पे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड टच करता है किसको, चाइना को, क्लियर। और आगे देखते हैं, लास्ट वाला देख लेते हैं जो काफी डिस्प्यूटेड, ये डिस्प्यूट में ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द अबव वन। यहां से मैं शुरू करता हूं ये कंसेप्ट को, ये वाला हिस्सा, ये वाले हिस्से को हमने क्या बोल दिया स्टूडेंट्स, दिस इज माय ईस्टर्न सेक्टर, ये मेरा ईस्टर्न सेक्टर वाला हिस्सा है भारत और चाइना का सरहद का, कितने किलोमीटर है, 1140 किलोमीटर का ये हिस्सा रहता है आपका। और आप इसी हिस्से को क्या बोल सकते हो, मैक मेहन लाइन, ये आपका रहता है सिक्किम अरुणाचल प्रदेश के इन बिटवीन, और यहां पे ही अरुणाचल प्रदेश जो भारत का राज्य रहता है वो प्रेजेंट है अरुणाचल प्रदेश। अब कंसेप्ट क्या है, चाइना ये बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश इज द पार्ट ऑफ साउथ तिब्बत, दैट एरिया इज कम अंडर द चाइना, तो वो कहना है, क्लियर है। तो आपको पता लगा 3488 किलोमीटर का जो एरिया है वो इंडिया और चाइना के बीच में हमने कैसे डिवीजन कर रखा है, और कहां पे मैक्सिमम आपको डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है, वेस्टर्न सेक्टर में स्टूडेंट्स और एक ईस्टर्न सेक्टर में, क्लियर है। चले आगे, हम लोग आगे चलते हैं, तो ये वाला भी हमारा ये क्लियर हो चुका है 3488 किलोमीटर का, ओके। हम लोग फर्दर और देखते हैं, अभी और बहुत कुछ डाटा पड़ा है हमारे पास, तो आगे चलते हैं। ये बोलते हैं कि हाउएवर इन द वुहान एंड महाबलीपुरम समिट, अब कंसेप्ट देखिएगा, हमने महाबलीपुरम तो पढ़ लिया था अपने आज से दो सेशंस पहले कि इंडिया और चाइना की समिट हुई थी महाबलीपुरम में, क्योंकि चाइना का भी यहां पे हिस्टोरिकली कनेक्शन रहता है, बिल्कुल ठीक है ना। चलें, महाबलीपुरम समिट है, कहते बोथ चाइना एंड इंडिया हैड रीअफर्म्ड दैट दे विल मेक एफर्ट्स टू एंश्योर पीस एंड ट्रांसपेरिटी इन द बॉर्डर एरिया,
कंसेप्ट पे जाइए थोड़ा सा स्टूडेंट्स, ये हर एक पॉइंट आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। नंबर वन, व्हाट डू यू मीन बाय वुहान, वुहान में क्या हुआ था स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लिखते हैं, यहाँ पे मीटिंग हुई थी, कब हुई थी? मीटिंग ऑन अप्रैल 2018 में यहाँ पे मीटिंग हुई थी बिटवीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड श्री नरेंद्र मोदी जी और द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। वो कौन है? वो है आपके शी जिनपिंग। और ये क्या हुआ था यहाँ पे, इन दोनों ने क्या किया था? यहाँ पे एक रिलेशंस बने थे, रिलेशंस ऑफ टू कंट्रीज एज दे एंगेज्ड, किसके लिए एंगेज्ड? इन द वेक ऑफ पोस्ट डोकलाम रिटोरिक, क्लियर? कंसेप्ट देखें, डोकलाम को लेकर हुआ था वुहान में, फिर हुआ महाबलीपुरम समिट, क्लियर है यहां तक? यहां बोलते हैं कि चाइना एंड इंडिया हैड रीअफर्म्ड दैट दे विल मेक एफर्ट्स टू एंश्योर शांतिपूर्वक और ट्रांसक्विलिटी इन द बॉर्डर एरिया। वो कौन सा बॉर्डर एरिया था स्टूडेंट्स? वो था डोकलाम, मतलब सिक्किम के पास वाला, मतलब कौन सा? ईस्टर्न सेक्टर वाला, क्लियर? अभी देखा हमने रिसेंटली, भारत और चाइना ने 1 अप्रैल 2020 को इंडिया एंड चाइना कंप्लीटेड द 70 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। इन दोनों ने 70 साल अपने पूरे किए हैं एक दूसरे से डिप्लोमेटिक जो संबंध बना रखे हैं, क्लियर है? अगर बात करें 70 इयर्स की, तो इंडिया और चाइना ने जो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो एस्टैब्लिश कब किए थे? कहते एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल, कब? 1950 में, क्लियर? आगे बढ़ते हैं, यहां बोला कहते ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश राज्य के टाइम पे दो बॉर्डर लाइंस बना दी गई थी भारत और चाइना के बीच में, नंबर वन इज योर जॉनसन्स लाइन एंड सेकंड इज योर मैकडॉनल्ड लाइन। ये कंसेप्ट भी याद रखें, एक था जॉनसन, दूसरे मैकडॉनल्ड। वो क्या चीज है? कहते एक जॉनसन लाइन है जो 1865 में प्रपोज की गई थी बाय द ब्रिटिशर्स। उन्होंने जॉनसन लाइन के अकॉर्डिंग जो अक्साय चिन्ह वाला भाग है, एरिया है, वो जम्मू एंड कश्मीर का होगा, और दूसरी तरफ मैकडॉनल्ड लाइन जो वो भी ब्रिटिशर्स ने प्रपोज की थी 1893 में, वो चाइना के अंडर आ जाएगा, क्लियर है? अब चाइना बोलता है कि मैकडॉनल्ड लाइन को वो मानता है कि मैकडॉनल्ड लाइन एज द करेक्ट बॉर्डर विद चाइना, बट वो जॉनसन लाइन को करेक्ट नहीं बोलता, कहते राइटफुल नेशन बॉर्डर विद चाइना, व्हाइल ऑन द अदर हैंड चाइना कंसीडर द मैकडॉनल्ड लाइन एज द करेक्ट बॉर्डर विद इंडिया। ये कंसेप्ट आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, प्रिलिम्स मेंस, ये प्रिलिम्स मेंस सब इंपॉर्टेंट डाटा आपके लिए है, क्लियर? आगे फर्दर चलते हैं, यहां बोला गया एट प्रेजेंट, अगर आज की बात की जाए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो इंडिया का लद्दाख का हिस्सा अक्साय चिन से अलग कर रही है। कंसेप्ट है कि इंडियन एरिया ऑफ लद्दाख फ्रॉम अक्साय चिन, इट इज कॉन्करेंट विद द चाइनीज अक्साय चिन क्लेम लाइन, क्लियर है स्टूडेंट्स? फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज आती है हमारी आज की, न्यू सुपर अर्थ प्लेनेट। ये है क्या चीज न्यू सुपर अर्थ प्लेनेट, इसके ऊपर भी डिटेल में चलते हैं हम लोग, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है जीएस पेपर 3 के लिए, क्लियर है क्या चीज? देखें, कहते साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ रेयर न्यू सुपर अर्थ प्लेनेट। साइंटिस्ट ने बहुत ही रेयर मिलने वाला सुपर अर्थ प्लेनेट को खोजा है, और ये क्या चीज है? कहते It is among only a handful of extra solar planet that have been detected. इसको डिटेक्ट किया गया किसके द्वारा? Both sizes and the orbit close to Earth. इसका साइज और इसका ऑर्बिट धरती के पास है, बिल्कुल ठीक है। यहां बोला गया, ये इंपॉर्टेंट रहेगा डाटा सेकेंड नंबर वाला, कहते द होस्ट स्टार ऑफ द सुपर अर्थ
अब सुपर अर्थ प्लेनेट का जो नजदीक वाला स्टार है, होस्ट स्टार है, वो हैज अबाउट 10% द मास ऑफ द सन. उसका जो मास है वो 10% है सर सूरज के अकॉर्डिंगली. द लोअर मास ऑफ द होस्ट स्टार, कंसेप्ट देखें अब क्या लिखा है यहां पे कि द लोअर मास ऑफ द होस्ट स्टार मेक अ ईयर. साल की बात कर ली, कहां पे साल? सुपर अर्थ प्लेनेट पे कितने डेज का होगा? 617 दिन का. कहते 617 डेज का एक साल होगा न्यू सुपर अर्थ प्लेनेट पे जो रिसेंटली डिस्कवर्ड किया गया बाय द साइंटिस्ट. क्लियर? चलें आगे. यहां बोलते हैं आगे, कहते द प्लेनेट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ मास बिटवीन द अर्थ मास एंड दैट ऑफ नेपच्यून. अब जो सुपर अर्थ प्लेनेट है उसका जो मास है ना वो अर्थ के मास और नेपच्यून के मास के इन बिटवीन है. ये चीज हमें देखने को मिल गई. देखते हैं फर्दर. यहां बोला गया कि द सुपर अर्थ प्लेनेट हैज बीन डिस्कवर्ड यूजिंग. अब ये यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. वो कौन सी टेक्निक यूज की स्टूडेंट्स? वो है ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंजिंग टेक्निक. याद रखें ये टेक्निक को, दैट इज योर ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंजिंग टेक्निक. ठीक है, ये बोलते हैं कि जो ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंजिंग टेक्निक है वो है एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है. इट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स. और ये हम लोग इसको ऑब्जेक्ट्स ढूंढने में काम आती है हमारे. रेंज फ्रॉम द मास ऑफ अ प्लैनेट टू द मास ऑफ द स्टार. अब ये डाटा भी आपके साइंस टेक्नोलॉजी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये जो हम लोग ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंजिंग टेक्निक यूज करते हैं, डिटेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, और रेंज क्या रहती है हमारी, मास उस प्लेनेट का और मास उसके स्टार का, रिगार्डलेस ऑफ लाइट दे एमिट. हालांकि वो कितनी लाइट एमिट कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है हमारा. क्लियर? चले आगे. आगे आता है नेक्स्ट पॉइंट. फर्दर मोर सच टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन डज नॉट रिपीट एंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ कैचिंग अ प्लेनेट एट द सेम टाइम आर एक्सट्रीमली लो. क्लियर है स्टूडेंट्स? देखिए कोई भी फिर भी डाउट रहता है आप लोगों को तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करें. चलते हैं. कहते द प्लेनेट कॉजेज द पेरेंट स्टार टू वूबल अराउंड इट्स ऑर्बिट. बिल्कुल करेक्ट है. एंड एज अ प्लेनेट मूव्स टू एंड फ्रो इट चेंज द कलर ऑफ द लाइट वी सी. वो जो हम लोग उसका रंग देखते हैं ना वो भी चेंज हो जाएगा. बिल्कुल. यहां पे है नेक्स्ट पॉइंट. कहते व्हेन एन एक्सोप्लेनेट, कंसेप्ट देखें. एक एक्सोप्लेनेट, एक्सोप्लेनेट का मतलब क्या रहता है स्टूडेंट्स? अब देखें यहां पे, कहते एक्सोप्लेनेट इज अ प्लेनेट आउटसाइड द सोलर सिस्टम, जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के प्लेनेट्स हैं हमने उसको क्या बोल दिया, एक्सोप्लेनेट. अब यहां पे सेकंड एड ऑन डाटा कर लेते हैं. कहते द फर्स्ट कंफर्मेशन हुआ था ऑफ डिटेक्शन ऑफ किसका, एक्सोप्लेनेट का, कब हुआ था? अकर्ड इन 1992, 1992 में. क्लियर है ना? तो 1992 में सबसे पहला एक्सोप्लेनेट हमें देखने को मिल गया था. एक्सोप्लेनेट वो चीज रहती है, वो प्लेनेट है स्टूडेंट्स जो सोलर सिस्टम के बाहर के प्लेनेट रहते हैं. कहते अब जब वो पास कर जाएगा स्टार के फ्रंट से, सेम ऑफ द स्टार लाइट पासेस थ्रू इट्स एटमॉस्फेयर. बिल्कुल ठीक है. साइंटिस्ट कैन एनालाइज द कलर ऑफ दिस लाइट इन ऑर्डर टू गेट वैल्यूएबल क्लूज अबाउट इट्स कॉम्पोजिशन. तो तब जो लाइट हमें रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी उसी के आधार पर साइंटिस्ट डिटेक्ट करते हैं. यहां पर लिखा है कि कलर ऑफ दिस लाइट इन ऑर्डर टू गेट वैल्यूएबल क्लूज अबाउट इट्स कॉम्पोजिशन. क्लियर? यहां बोला गया कि द डायरेक्ट इमेज कैन टेक पिक्चर्स ऑफ एक्सोप्लेनेट बाय रिमूविंग द ग्लेयर ऑफ द स्टार्स दे ऑर्बिट. ठीक, यहां पे है नेक्स्ट पॉइंट. कहते द ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट, अब सुपर अर्थ का जो ऑर्बिट है, कैन कॉज अ स्टार टू वूबल्स अराउंड इन द स्पेस इन रिलेशन टू द नियर बाय स्टार इन द स्काई. अब यही मेथड बिल्कुल सिमिलर रहता है रेडियल वेलोसिटी मेथड के.
बिल्कुल। हाउएवर साइंटिस्ट टेक अ सीरीज ऑफ इमेजेस, साइंटिस्ट ने कई इमेजेस ली हैं स्टार्स की एंड सम ऑफ द अदर स्टार्स दैट आर नियर इट इन द स्काई, उसी के नजदीक वाले स्टार्स जो आसमान में रहे। इन ईच पिक्चर, अब हर एक पिक्चर में जो साइंटिस्ट के द्वारा ली गई है, दे कंपेयर द डिस्टेंस बिटवीन दीज रेफरेंस स्टार्स, तो साइंटिस्ट ने उन सभी स्टार्स का एक दूसरे से डिस्टेंस को देख लिया, मेजर किया, एंड स्टार्स दे आर चेकिंग फॉर एक्सोप्लैनेट्स। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? फर्दर चल सकते हैं हम लोग आगे? ओके, हम लोग फर्दर आगे चलते हैं। अब हमारी स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज रहती है, आज की लास्ट न्यूज रहेगी अपने सेशन की, वो न्यूज रहेगी हमारी इंस्टेंट पैन थ्रू आधार बेस्ड EKYC जिसको बोला जाए, वो रहेगा आपका पेपर GS3 के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या चीज देखते हैं, कहते द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन जी की बात की गई है, उन्होंने ऑफिशियली लॉन्च किया है कि परमानेंट अकाउंट नंबर जिसको पैन बोला गया है फैसिलिटी यूजिंग द आधार बेस EKYC। आप ये परमानेंट नंबर की बात कर रहे हैं, ये कंसेप्ट याद रखिए। कहते पैन कार्ड है वो परमानेंट अकाउंट नंबर है 10 digits का, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स रहते हैं जिसके अंदर, कंसेप्ट अल्फा न्यूमेरिक 10 digits का रहता है, एंड असाइंड टू ऑल द टैक्सपेयर्स इन इंडिया। बिल्कुल ठीक है। और ये पैन कार्ड किसके कानून के अंदर आता है? ये आता है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961। किसके तहत? बाय इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर द सुपरविजन ऑफ CBDT, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। कंसेप्ट देखें, क्लियर है स्टूडेंट्स? चले आगे, ये बोलते हैं द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैन, पैन का मेन फंक्शन क्या है? टू ब्रिंग यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि हमें एक यूनिक हमें पैन नंबर मिल जाता है, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है वो यूनिक रहता है, आइडेंटिफिकेशन टू ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड टू प्रिवेंट टैक्स इवेजन्स बाय कीपिंग ट्रैक ऑफ द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। क्लियर है? नेक्स्ट बोला द पैन इज मैंडेटरी, अब पैन को मैंडेटरी कर दिया वाय फिलिंग इनकम टैक्स, इवन पैन अब मैंडेटरी भी हो गया है वाइल ओपनिंग द बैंक अकाउंट्स। याद रखें टैक्स डिडक्शन एट द सोर्सेस और एनी अदर कम्युनिकेशन विद IT डिपार्टमेंट। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? यह बोला गया कि द इंस्टेंट पैन फैसिलिटी जो निर्मला सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन बजट में उन्होंने अनाउंस किया 2020 में, एंड इट हैज बीन फॉर्मली लॉन्च रिसेंटली, ये पेपरलेस है और रियल टाइम बेसिस पे रहती है। अब ये उनका कहना था कि ये फैसिलिटी उन लोगों के लिए रहेगी जो आधार कार्ड पे उनका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक है, क्योंकि जब हम लोग पैन कार्ड को अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो पैन कार्ड डिपार्टमेंट की तरफ CBDT की तरफ से हमें एक OTP आता है, और वो OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर तभी आएगा अगर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड है। तभी तो लिखा कि दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर दोज एप्लीकेंट्स हु पोजेस अ वैलिड आधार नंबर एंड हैव अ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार एंड एन इलेक्ट्रॉनिक पैन जिसको ई-पैन बोल दिया इज इश्यूड टू द एप्लीकेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? तो ये था हमारा आज का लास्ट न्यूज स्टूडेंट्स। तो आज का सेशन मैं यहीं तक ओवर करता हूं, और एक आपको फिर से बोलकर जाता हूं, किसी को कोई भी डाउट रहता है ना रिगार्डिंग करंट अफेयर्स तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। क्लियर है? और मैं आशा करूंगा आपको ये वाला सेशन भी काफी अच्छा लगा होगा, इसको रेट कीजिए और रिव्यू कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।